यार आप लोग ना ऐसे बोला ना करो कि मैं नौटंकी करती रहती हूँ या ओवर एक्टिंग करती हूँ, नजर लग जाती है। सारे मिन्नत के बाद, पैर पड़ने के बाद, हमारे यहाँ कहते हैं मनुआहार करने के बाद, मैंने खुद को मना लिया है खाना बनाने के लिए। जी हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है बस रोज़ रोज़ का ये टंटा कैसे मैं झेलूँगी। 3 कमरे में झाड़ू पोछा, हॉल की सफाई, किचन की सफाई, 2 बाथरूम, बैल्कनी, मजाक है क्या? ऐसा करते हैं, यहाँ खड़े खड़े बात नहीं करते हैं, हम चलते हैं किचन की ओर, खाना भी बनाएंगे, गप्पे भी मारेंगे, रोना भी रोएंगे और शिकवा शिकायत तो चलता ही रहेगा। तो प्रस्थान किचन की तरफ करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जिसमें पाव नहीं है मेरे पास, यानी कि मैं बनाऊँगी भाजी और पराठा। सबसे आसान है, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि मैं ये पहली बार बनाने जा रही हूँ और मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं, क्योंकि फ्रिज में मेरे पास जो बचा था, मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको, मेरे पास है शिमला मिर्च, अनियन, ग्रीन चिली और टमाटो, जो कि प्रसाद जितना है, ये है अदरक और ये है बॉइल्ड मटर और ये है उबला हुआ आलू और एक चीज़ और, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी है। ये ना, ये मैं अब इस पर अपनी भाभी से सीख कर आई हूँ। बहुत सारा लहसुन अदरक पेस्ट करके फ्रिज में रख दो, छुट्टी। बाहर जो रेडीमेड खरीदते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। ये पाव भाजी मसाला, नमक, हल्दी, धनिया। यार मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। पहले डालेंगे जमा कर बटर, और खुशी की बात यह है कि मुझे अकेले को खाना है, तो अच्छा हो या खराब, मैं पता है अभी से एक्सप्रेशन बताती हूँ मैं क्या करूँगी। फिर डालेंगे इसमें शायद हरी मिर्च, गर्म नहीं हुआ अभी, 1 मिनट। फिर इसमें डालेंगे हम अदरक और ढेर सारा टमाटर, ये टमाटर। हम नींबू से काम चलाएंगे खट्टे के लिए, और इसमें डाल देंगे प्याज। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं कुछ लोगों की शिकायत पहले दूर कर दूं, वो ये कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती, लेकिन सच बताऊं तो टाइम नहीं मिलता और अभी इतना काम है घर में कि क्या करूं। फिर भी ये कहूंगी कि मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूं और उसको पढ़कर ही मैंने अप्लाई किया है एक, बाय द वे यह तबानी है, अब मैंने छुपा कर रखना शुरू कर दिया है, मुझे किसी ने बताया था। और यार मुझे भी शिकायत है आप लोगों से, कमेंट करने के पहले 2 बार सोचते भी नहीं हो, बताओ मुझे, कह रहे हो पानी वेस्ट किया, हमें दुख है आपने पानी वेस्ट नहीं किया होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। भाई मैं क्यों करूँगी पानी वेस्ट? ये आज के टाइम पे किसी को समझाने सिखाने की बात है क्या? मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ और फॉलो करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि पानी इसलिए खोला था क्योंकि 5 महीने के बाद जब आप अपना नल खोलोगे ना, तो उससे गंदा पानी आता है, और आपने तो सिर्फ एक नल में देखा है, मुझे सारे नल को 15 से 20 सेकंड के लिए चलाकर छोड़ना पड़ा, वो मजबूरी है। अगर आप मेरा कमोड देख लेते ना, तो ऐसे होते हाँ ये क्या हो गया रतन, ब्लैक वाटर जो हम फ्लश करते हैं वो भी ब्लैक वाटर आ रहा था, तो इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। और इसके बाद बातों ही बातों में खाना बनाना भी ज़रूरी होता है। तो अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक नहीं मेरी गाड़ी अटकती है। जब तक ये पक रहा है हम रोटी की तैयारी करेंगे। रोटी खाऊं या पराठा? पराठा, आटा मैंने फ्रिज से निकाला हुआ है, आई थिंक मटर अभी डाल देंगे। यार बटर का बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है, थोड़ा और डाल दो बटर, इट्स टू सॉफ्ट। क्या ना, अभी काम धाम पर तो जाना है नहीं, जितना फैट चढ़ाना है चढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है।
पर ऐसा करना नहीं है, ये हम मजाक कर रहे हैं। लो जी, जिनको लगता है ना मैं ड्रामा करती हूँ, बहुत एक्टिंग करती हूँ, अब मैं शांत हो, नो ओवर एक्टिंग, राइट। एक बात बताओ, मैं अगर इतना भी बोल देती ना और कैसे हो, सब ठीक ठाक, इतने में भी कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, वो उस पर भी ऐड कर मुझे कमेंट करते हैं, मेरी गलती क्या है यार? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप लोग के लाइफ में कोई ऐसे एनकाउंटर हुआ है लोगों का कि आपने इतना ही कहा हो राम राम, हाँ बड़ा इतराती है। हाय, भाभी से याद आया, जो अय्याशी मैंने की है मेरे घर पे, भाभी के होने का एक ही फायदा था कि भैया सिर्फ बच्चे के साथ खेलो, कोई काम धाम नहीं, टोटल छुट्टी। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं पहले ना कैमरे का एंगल चेंज करती हूँ वरना बंधु बहुत डांटेगा, और मैं साथ साथ में रोटी भी बना लूँगी। तो अब मैंने इसमें आलू डालकर अच्छे से इसको घोट दिया है, और अब बारी है, इसको याद आ गई, देख पाव भाजी मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसके डालेंगे थोड़ा और बटर, क्योंकि पाव भाजी में जितना जितना बटर ज़्यादा हो उतना अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे हमारा मोटा मोटा पराठा। साइज तो देखिए, सिर्फ दो पराठा जो कि चार के बराबर है। अपना मंत्र कोई बात नहीं, बर्तन और पराठा रखने का कंटेनर हमेशा अलग होना चाहिए ताकि आपको अंदाजा रहे कि आप पराठा कहाँ डाल रहे हैं। एनी गेस कि कौन से देश का नक्शा है? जब बिना मन के कभी कभी खाना बना रहा तो ऐसी हालत होती है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा डिनर रेडी है, डिनर में है भाजी, पाव की जगह पे पराठा, और साथ में है बहुत ठंडा ठंडा चलता हुआ हवा, और चांद और तारे आज नहीं हैं लेकिन खुला आसमान है। मैंने कहा था ना ये जगह मुझे बहुत पसंद है। मुझसे अच्छा बन गया फर्स्ट टाइम में, मेरे एक्सप्रेशन पे बिल्कुल मत जाना आप लोग कि मैं चहक नहीं रही हूँ, तो ये शायद अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। सफाई अभियान अभी तक चल रहा है, फिलहाल रात के कितना बज रहा था, 10:15 बज रहे हैं, तो ये मेरा आखिरी काम होगा आज सफाई का, और इतने प्यार से मैं साफ कर रही हूँ हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। इसे खोले हुए मुझे लगता है ज़माना बीत गया, इसके अंदर क्या है मुझे पता भी नहीं, आज देखने को मिलेगा क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन आयुर्वेदा ही आयुर्वेदा इसमें भरा हुआ है। ओ गॉड, मैं भी ना हद हूँ, एक्सपायरी डेट बचा हुआ है यार। मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए, बहुत इम्यूनिटी के लिए मुझे लगता है आयुर्वेदा बेस्ट है। भाई काम ख़त्म नहीं हो रहा, मैं एकदम थक गई हूँ, थक कर चूर हो चुकी हूँ। तो इसमें हम करेंगे कुछ दवाइयों को ऐड जो कि करेगा कोरोना को फेट। ये है अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय वटी, विटामिन सी स्टीम लेने के लिए। ये आउच मामा, आज मेरा दिन ठीक नहीं है। ये है आई वॉश करने के लिए ग्लास। मुझे कुछ ढूंढने जाना है जो कि इधर उधर, और मैं कैमरा लेकर मूव नहीं कर सकती, तो अभी मैं कैमरे को कर रही हूँ ऑफ। ये मेरे दिन का आखिरी
और टाइम होता है जब मैं किचन में होती हूँ, कभी लेमन टी होता है और कभी काढ़ा होता है। आज मैं बनाऊंगी लेमन टी, अदरक, एकदम थोड़ी सी चाय की पत्ती, थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर। ये सारा कुछ मेरी भाभी ने वहाँ से पैक करके दिया है, गुड़, काले मिर्च पाउडर, मतलब ऐसे मेरे सामान। लगेज में पता है क्या था? सिर्फ राशन। मेरी भाभी मुझे ऐसे पैक करके भेजी है कि बस कहीं और मुझे यहाँ मुंबई में निकलना ही ना पड़े कम से कम 2-3 महीने। और कमाल की बात यह है कि मैंने लगेज का पता है कितना पे किया था? एग्जैक्टली उतना ही जितना मैंने अपना एयर टिकट के लिए पे किया था। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। नहीं, नो खांसी। स्टिंग लेना बाकी है। साला खांसी से डर लगने लगा है यार। जिस सर्दी खांसी को हम आया गया सोचते थे कि तो बीमारी का नाम ही नहीं था, सर्दी हो गया 5 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, पर अभी मुझे मसाले से एलर्जी है, मैंने काली मिर्च डाला ना, ये इसलिए है। आज पता है क्या हुआ? आज घर पर टिंग टोंग दरवाजे पर घंटे सुनाई दी और मैं एकदम गुस्से में ऐसे जाकर बोला कौन है, मतलब एकदम टोन जो था ना वो एकदम गुस्से वाला था कि जैसे क्यों आ गए, कौन है, मतलब घंटी ऐसे बजा था जैसे साक्षात कोरोना घर पर हो। तो बाहर से आवाज़ आई, मैडम मैं BMC से आया हूँ। मैंने कहा भैया हम ठीक है? तो कहा मैडम ये रेगुलर चेकअप है, आपको चेकअप के लिए बाहर निकलना होगा, फीवर और पल्स रेट। भाई साहब मुझे लगा हे भगवान, मेरा अपना थर्मामीटर और मेरा अपना पल्स रेट मशीन होना चाहिए, मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझे करवाना पड़ा। और जब उन्होंने चेक किया और जब उन्होंने कहा नॉर्मल है, तो मैंने ऐसे चौड़ में वहाँ से निकली हूँ जैसे कोई जंग जीत कर आई हूँ कि हाँ मैं हेल्दी हूँ। कैसी फट्टू हो गई हूँ मैं, मतलब एकदम डरपोक हो गई हूँ। बताओ घंटे से कोई डरता है? और BMC से आए हुए लोग, मैं ना ऐसे बंधु हूँ कि मुझे किसी से मिलना ही नहीं है, मुझे बस यहाँ मुंबई में अपने घर पे रहना और अपना ये कारोबार यही करना है, बाकी को किसी को नहीं मिलना मुझे। यार आप लोग ना ऐसे बोला ना करो कि मैं नौटंकी करती रहती हूँ या ओवर एक्टिंग करती हूँ, नज़र लग जाती है। चाय है रेडी, अब हम चलते हैं अपने अड्डे पर, किचन क्लीनिंग कल करेंगे। तो अब मैं अपना लेमन टी एंजॉय करती हूँ और थोड़ा चांद सितारे से लुक्का छिप्पी खेलती हूँ। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, जय भारत। तो हम करेंगे इसमें कुछ नई दवाइयाँ ऐड जो कि करेगा कोरोना का। तो इसमें हम करेंगे कुछ नई दवाइयों को ऐड जो कि करूँ क्या हो रहा है, मैं थकी हूँ इसलिए फंबल कर रही हूँ, ऐसा कुछ टफ नहीं है। मैं भर कर लेमन टी पीती हूँ। क्या है यार फंबल, क्या है ये? मैं भर कर लेमन टी पीती हूँ। बेल की घंटी सुनाई दी, ये कौन सा सेंटेंस है? मैंने कहा भैया हम सब ठीक हैं, हम सब ठीक हैं।